मिशनरी की जमीन बेचकर घोटाले में फंसे और वर्तमान में केंद्रीय जेल जबलपुर में बंद जबलपुर डायोसिस के पूर्व बिशप पीसी सिंह कारनामे उजागर होने लगे हैं। जिस सरकारी जमीन पर कब्जा कर संस्था को दिया था उसके खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जबलपुर की मिशन कंपाउंड की बेशकीमती जमीन को राज्य सरकार ने अपने कब्जे में कर उस जमीन के एक हिस्से को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जमीन को बेचने के लिए मध्य प्रदेश परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी भोपाल की ओर से प्री बिडिंग की कार्रवाई की गई, जिस पर जमकर हंगामा हुआ और स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज कराया। कि एक तरफ जहां सरकार भूमाफियों पर लगाम कसने की बात कर रही है, वहीं सरकार बतौर भूमाफिया इस प्रदेश में काम कर रही है। आज जहां पर ये विवाद की स्थिति बनी है, सरकार का कोई एक उपकरण है जिसने मात्र एक या डेढ़ साल पहले जन्म लिया है, और इस उपक्रम का काम है कि जहां पर ओपन लैंड पड़ी है उसका ऑक्शन करना, उसको बेचना। इस कॉलोनी का जो 1970 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दफ्तर के तहत हमको नक्शा स्वीकृत हुआ था, जिसमें एक ग्राउंड को ओपन एरिया दर्शाया गया है, एक को पार्किंग दर्शाया गया है, वो हमने आपके समक्ष रखा। साफ तौर पे एक जो घटना दुर्घटना पूर्व में हुई थी उसका मौके का फायदा उठाते हुए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ये कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर 50 साल से जो रहवासी रहते हैं, ये जो ओपन एरिया है, यहाँ पर ना किसी ने व्यक्ति ने कब्जा करा, ना किसी ने ऐसी मंशा रखी। यहाँ पर बच्चों का खेलने का ग्राउंड है और जबलपुर के अलग अलग इलाके से लोग यहाँ पर रहते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सरकार का एक उपक्रम है जो कि पूरे प्रदेश में आवासीय व्यवस्था सुदृढ़ रहे उस हिसाब से प्लानिंग बना के कॉलोनियों को देती है, व्यक्ति विशेषों को देती है कि कहीं अगर कॉलोनी डेवलप करनी है तो इस आधार पे इस नॉर्म्स को आप पूरा करेंगे, उसके बाद आपको कंप्लीशन दिया जाएगा। 1970 में जब इस कॉलोनी का निर्माण हुआ, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत जो ओपन एरिया छोड़ने की बात की गई थी, इस कॉलोनी के रहवासियों ने उस ओपन एरिया को छोड़ा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने जो एक आइडेंटिफाइड एरिया पार्किंग के लिए छोड़ा था उसको वहां पर छोड़ा गया, और पिछले 50 सालों से ओपन एरिया के तौर पर वो दोनों एरिया यहां पर हैं। रहवासियों के विरोध के बाद भी सारी प्रक्रिया चलती रही। वहीं इस पर SDM ऋषभ जैन ने बताया कि भूमि शासन ने ही लीज पर दी थी, जिसका नवीनीकरण नहीं होने के चलते शासन जमीन को नीलाम कर रहा है। नहीं नहीं, नीलामी बिल्कुल सही हो रही है। ये संपत्ति मध्य प्रदेश शासन के नाम पर दर्ज है और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा इसका आज प्रीविट की कार्रवाई हो रही है, और ये शासन की संपत्ति है और शासन के जो अपना विभाग है वो इसकी नीलामी करने जा रहा है और आज इसका प्रीबिड है। लेकिन जो इनके पास नक्शा है वो TNC से अप्रूव है, 1970 से यहाँ लोग रह रहे हैं, ऐसे में अचानक से इस संपत्ति को ओपन कैप नहीं, नहीं ये संपत्ति मध्य प्रदेश शासन की दर्ज की जा चुकी है, मध्य प्रदेश शासन की ही संपत्ति है। पहले भी उन्हीं की थी? नहीं, पहले लीज की संपत्ति थी। लीज की संपत्ति भी मध्य प्रदेश शासन की संपत्तियाँ होती हैं, लीज इनका रिन्यूअल नहीं हुआ है, और बीच में ये संपत्ति 1,70,000 स्क्वायर फीट मध्य प्रदेश शासन में दर्ज की जा चुकी है। अब ऐसे में जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बसे हैं, उनकी संपत्ति है ही नहीं। विभाग, ये लोग भी हाईकोर्ट में गए थे, सिंगल बेंच डबल बेंच में दोनों ने वहाँ से उनका आवेदन खारिज कर दिया है। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि लीज की संपत्ति थी जो लीज रिन्यूअल नहीं होने पर मध्य प्रदेश शासन की हो गई। सर, ऐसी स्थिति में आप क्या हो, ये पर जो यहाँ पे जो मकान, अगर उनको कोई समस्या नहीं, मकान जो मध्य प्रदेश शासन की संपत्ति है, खुली संपत्ति, उसका नीलाम किया जाएगा। कोई आपत्ति की बात हो, किसी को आपत्ति है तो विधिवत फोरम में करे। आज यहाँ पर प्री बिड के संबंध में ये आज बैठक यहाँ लगाई गई है, ये किसी को कोई संपत्ति के संबंध में कोई जानकारी लेने हैं तो बोले, टेंडर के संबंध में जानकारी लेने हैं वो ले कर सकता है। स्थानीय लोगों ने सर इसमें आपत्ति जताई है? स्थानीय लोगों का हो सकता है, कोई निजी स्वार्थ हो उनका। नेपियर टाउन के मिशन कंपाउंड पर तकरीबन 42 से अधिक परिवार रहते हैं। उनका दावा है कि वह 40 सालों से जमीन पर काबिज हैं और सभी का मकान टाउन कंट्री से अप्रूवल है। कैंपस की जमीन जो कि पार्क और पार्किंग के लिए बनाई गई थी, उस पर प्रशासन के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, जबलपुर।